हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन का सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे 2011 का, इसमें बात करेंगे 2012 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट। याद रखिए, ये टेस्ट बुकलेट सीरीज ए है, जैसा कि आपको पता है ये 2 घंटे का होता है और 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। ठीक है, याद रखिए हम लोग यूपीएससी से संबंधित जितने भी आईएएस से संबंधित लेक्चर देखते जा रहे हैं, वो आईएएस की जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? तो पहला है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। दूसरा है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्व सर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो इसमें पहला और दूसरा सही होगा, पहला और दूसरा कथन सही होगा, तीसरा गलत होगा। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन होगा बी सही इसमें। याद रखिए पहले का बी है, पहले का क्या होगा? बी ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन नंबर, भारत में संसद भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है? तो याद रखना, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो इस प्रकार दूसरे का होगा ए। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार का सहायक है? पहला कथन है इसमें, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। ये सही है आपका। और फिर दूसरा है, एनबीए कृषि पादपों के अनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। ये ऑप्शन गलत है। एनबीए की अनुशंसा के बिना अनुवांशिक जैव संसाधन में संबंधित बौद्ध संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। तो याद रखिए उपयुक्त में से कथन होंगे, सी ऑप्शन सही होगा, एक और तीन सही होगा कथन। ठीक है, तीसरे का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर का है क्वेश्चन, भारतीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है? तो इसका होगा पहला कथन है, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। तीसरा कथन है, अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियां और कार्यों के अनुरूप। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए चौथे का होगा ए ऑप्शन, केवल एक सही है इसमें। क्या होगा? केवल एक सही है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाएगा। ठीक है, चार का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर पांच, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णता लागू किया जाए तो देश पर
उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला कथन है, शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकता की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त विकल्प स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति जैसे ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्र जल को उपयोग लायक बना सकेगी। तीसरा कथन होगा, हिमालय में उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। चौथा है कथन है, सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर बहन किए गए पेय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। तो हम लोगों को देखना है कि निम्नलिखित में से ऊपर जो चार कथन देखे हैं उनमें से कौन सा सही है। तो याद रखना, पांच का होगा बी, कौन सा, एक और दो कथन सही होगा। ठीक है, कौन कौन से एक दो? शहरी, पहला है शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। दूसरा है, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित औद्योगिक व्यवहार मिलाकर की जा सकेगी जो समुद्र जल को उपयोग लायक बना सकेगी। तो याद रखना, पाँच का बी है। ठीक है, कथन ए और कथन दो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवा, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रावधान पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। चौथा है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो याद रखिए, छः का होगा हमारा बी, दो और तीन, कौन से, दो और तीन सही हो गए। कौन कौन से दो तीन हैं? ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये भी सही है। और तीसरा कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। याद रखिए, छठवें का बी है। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा कथन है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए, सात का होगा हमारा डी, सात का क्या होगा, डी, कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठ, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। दूसरा, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। तीसरा है, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर इसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए, आठ का होगा सी, दो, एक और तीन, कथन ए, एक और तीन सही होगा। कौन कौन से कथन? पहला सही, उपभोक्ताओं की खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। तीसरा कौन सा है, उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो याद रखना, आठ का होगा सी। क्वेश्चन नंबर नौ, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला कथन है वह राष्ट्रपति के फसाद पर पद धारण करता है। दूसरा कथन है यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदस्य सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। और तीसरा है यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 9 का होगा हमारा बी। 9 का क्या होगा? बी। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदस्य सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं 10वां। याद रखिए 9वें का बी है, 9 का बी। 10 का निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? पहला है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा है भारत सरकार किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। चौथा है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। उपयुक्त में से सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 10 का होगा सी। 10 का क्या होगा? सी। कथन 1 और कथन 4 सही है। कौन कौन से हैं 1 और 4? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी सही है। और 4 सही है, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। 10 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जीवों के निम्नलिखित विकारों पर विचार कीजिए। तो पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा है पुष्पीय पादप। उपयुक्त जीव विकारों में किसकी कुछ जातियों को जैव पीड़क नाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना 11 का डी होगा, तीनों जीवाणुओं की, कवक की और पुष्पीय की। 11 का क्या होगा? 11 का होगा डी। ठीक है, 11 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा जीव भार गैसीकरण को। गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन कौन सा कथन सही है? तो पहला है नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार के गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीसरा है जैव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 12 का होगा हमारा, क्या होगा 12 का? ए, केवल एक। 12 का केवल एक सही है इसमें। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जब जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैगनी विकिरण की क्या भूमिका है? तो पहला है कथन इसमें यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। तीसरा है यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, आबिलता दूर करती है और जल की निर्बलता में सुधार लाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 13 का है हमारा ए, केवल एक। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है। ठीक है, 13 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ग्राफीन आजकल प्रयास सुर्खियों में रहता है, इसका क्या महत्व है? उसका क्या महत्व है? तो पहला है
कथन, वह एक द्वि आयामीय पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम है। दूसरा कथन है, वह अब तक का जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन एलईडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए 14 का होगा, इन कथन में सही कौन सा है, तो याद रखिए सी ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 4 कौन कौन से? वह एक द्वि आयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक का जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। और चौथे नंबर है, उसका टच स्क्रीन एलईडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 14 का सी होगा, ठीक है याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फैटोल में शीशे का उपयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन से हैं? पहला है प्रगलन इकाइयाँ, फिर पेन और पेंसिल, तीसरा है पेंट, चौथा है केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनना है, तो याद रखिए इसका बी होगा, 15 का बी होगा। कौन कौन से? पहला प्रगलन इकाइयाँ और तीसरा पेंट, ठीक है बी ऑप्शन सही है 15 का। 16, क्वेश्चन नंबर 16, अक्सर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाएं कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तन पाई जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरा कथन है, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। तीसरा है कथन, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए उपयोग की जा सकती हैं। उपयुक्त कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो याद रखिए बी ऑप्शन होगा इसमें। कौन सा? स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। तीसरा है, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के उपयोग के लिए उपयोग की जा सकती हैं, तो याद रखिए 16 का होगा बी। 16 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग होता है सुंगटच फॉर्म में, सुंगटच फॉर्म के निर्माण में, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में, एरोसोल के में दाबकारी एजेंट के रूप में, कैन में, ठीक है। तो उपयुक्त में से सही कथन क्या है? तो याद रखिए 17 का होगा सी, 1, 3, 4, 1, 3, 4 कौन होगा? 1, 3, 4 सुंगटक फॉर्म के निर्माण में, फिर कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में, तो याद रखिए 1, 3, 4 सही होगा इसमें कथन, ठीक है। बात करते हैं अगला 18, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हेलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्या विविधाएँ हैं? तो पहला कथन है, यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। दूसरा है, यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो 18 का होगा बी। 18 का क्या होगा? बी। 2 और 3, यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और
आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक हुआ। तीसरा है, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो याद रखना 18 का बी है। क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। पहला है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। दूसरा है अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। तीसरा है अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। चौथा है अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है, सही कथन कौन से है? तो याद रखिए 19 का होगा ए, 1 और 2। कौन सा? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। दूसरा है अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। तो याद रखिए 1, 2 कथन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? तो याद रखना 20 का होगा ए ऑप्शन, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुव की ओर मोड़ देती है। ए ऑप्शन है 20 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा है 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है हमें। तो 21 का क्या है? सी होगा, 1, 3, 4। 1, 3, 4 कौन कौन से? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल औजारों का उपयोग आम था। 1, 3, 4 सी ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? पहला सही हो, फिर तीसरा सही होगा 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत आम था, सिद्धांत ज्ञात था। तो याद रखिए 1, 3 कथन सही है, 1, 3, 4 ठीक है। याद रखिए सी ऑप्शन सही है इसमें। कितना होगा? 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो पहला है तप और भोग की अति का परिहार वेद ग्रामण के प्रति अनास्था। तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निश्चित। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 22 का होगा बी, 2 और 3 वेद ग्रामण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निश्चित। 22 का होगा बी, 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? पहला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। दूसरा है सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। तीसरा है जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। चौथा है दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 23 का होगा सी, इसमें 2, 3, 4 कथन सही होगा। कौन कौन से? सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। 2, 3, 4 कथन सही होगा। याद रखिए 23 का 2, 3, 4 कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है।
नागर डेविड और बेसर हैं। तो याद रखना ये भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं, ठीक है। 24 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा 24 का। फिर यही हमारा 25वां क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था क्योंकि, तो याद रखिए 25 का क्या होगा? डी। उपयुक्त कथनों में ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। क्या है कथन ये सभी? कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो याद रखिए तीनों गलत है, 25 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला है स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, पोषण एवं पितृरक्षण के विषय में सूचना देना, बच्चे का प्रसव कराना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 26 का ए होगा। 26 का क्या होगा? ए। 1, 2, 3 पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तीनों कथन सही होंगे, कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। फिर बात करते हैं हम लोग 27। 1919 के भारत शासन अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पहला कथन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका होगा सी, 1 और 3 सही है। कौन सा? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों की को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ठीक है। 1, 3 कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो याद रखिए 28 का बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो पहला है प्रेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर कौन सा है आधार पर? तो याद रखिए 29 का बी होगा। कौन कौन से? दो, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। 2 और 3 सही है, 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? तो याद रखना 30 का होगा बी, संसद को राजसूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। क्या होगा 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों क्षेत्रीय निर्धन के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करती है? पहला कथन है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नवनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे। दूसरा है स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करेंगे। तीसरा है कृषकों को निःशुल्क बीज और उर्वरक डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र उपलब्ध कराएंगे। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर कौन सा है? तो 31 का होगा। 31 का क्या होगा? बी, केवल 2। क्या होगा?
केवल दो। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, UNDP के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो पहला कथन है पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो 32 का होगा ए। 32 का क्या होगा? ए। एक केवल सही है, कथन एक सही है। पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन, ठीक है, 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा 13 विविधता आयोग की सुस्पष्ट विशेषता है? तो पहला है वस्तु एवं सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संचालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। दूसरा कथन है भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना। तीसरा है केंद्रीय करों में के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 33 का होगा हमारा सी ऑप्शन, 1 और 3। क्या होगा 33 का? 33 का होगा सी, 1, 3। कौन कौन सा? वस्तु व सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संचालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज, ये भी सही हुआ। और फिर होगा तीसरा, केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण करना, ये होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 34, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहलें की हैं? तो पहला कथन है राष्ट्रीय निवेश तथा विनिवेश क्षेत्र की स्थापना। फिर दूसरा है एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना। तीसरा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 34 का होगा डी ऑप्शन, 34 का क्या होगा? डी। 1, 2, 3 सही हैं इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, दूसरा है एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना, तीसरा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना, ठीक है। 34 का डी है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? पहला इसमें संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। तीसरा है संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समिष्टगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्तीय पुनरावलोकन। तीसरा है संसद में वित्त, पांचवें नंबर का कथन संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। तो इसमें से निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर कौन सा है? तो याद रखिए 35 का होगा ए। 35 का ए, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 5 इसमें कथन सही होगा। पहला भी कथन सही होगा, दूसरा कथन सही होगा, तीसरा और पांचवा, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36, याद रखिए 35 का सी है, 35 का ए है सॉरी, ठीक है, 35 का ए है। कौन से क्वेश्चन? 35 का ए, 1, 2, 3 और 5 कथन सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया? 36 का होगा
सी रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम निर्णय की घोषणा की थी। कम्युनियल अवार्ड सी ऑप्शन होगा 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, रेतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रेत को फट्टे देती थी, कर लगाने की भूमि पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 37 का होगा हमारा सी ऑप्शन। 37 का क्या होगा? 1, 2, 3, तीनों कथन सही हैं। ठीक है, याद रखिए तीनों कथन सही हैं सी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित में से विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला है निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, दूसरा है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, तीसरा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं को सही क्रम चुनना है। तो याद रखना है 38 में होगा हमारा सी ऑप्शन। 38 में क्या होगा? सी, पहले 2 उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर होगा 3 निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर होगा 1 निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। ठीक है, याद रखिए 38 का हमारा सी होगा, 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांक का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? पहला है सीमेंट, दूसरा है उर्वरक, फिर प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 39 का सी होगा। 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उद्योग, वस्त्र उद्योग नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, 39 का क्या होगा? सी, 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा पंचम अनुसूची, चौथा कथन है षष्ठ अनुसूची, पांचवा है सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 40 का होगा डी, 40 का क्या होगा? डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची और सप्तम अनुसूची, सभी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार की सी बर्कथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? पहला कथन है यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीयकरण को रोकता है। दूसरा कथन है इसमें यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा, इसके पोषकीय मान होता है, यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। चौथा, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। उपयुक्त कथनों में सही कथन चुनना है। तो याद रखिए 41 का होगा सी, 41 का क्या होगा? 1 और 3। ठीक है, सी ऑप्शन होगा 41 का। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। और तीसरा क्या है, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होती है। ठीक है, इसका सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखना पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, सी ऑप्शन सही है 42 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है? यह उत्तरी अक्षांश पर स्थित,
जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण है अंतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्रों क्षेत्र नेटवर्क के रूप में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर की दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है, तो आपको बता देना है 43 का होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद रखिए 43 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, लीबिया, मूंग, अरहर, उपयुक्त में से कौन सी दलहन और हरी खाद के रूप में उपयोग होती है, चारा और हरी खाद के रूप में उपयोग होती है, तो याद रखें 44 का एक होगा, कौन सा, लीबिया और मूंग, ठीक है, एक दो ऑप्शन सही है, 44 का क्या है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, पृथ्वी का आवर्तन, दूसरा है वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण, उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, तो याद रखना 45 का बी होगा, एक दो तीन, 45 का क्या होगा, बी, ठीक है, पृथ्वी का आवर्तन और वायु दाब और हवा और महासागरीय जल का घनत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है। भारत की तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। अगला है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखना है आपको 46 का होगा ए ऑप्शन, केवल एक, क्या है, केवल एक, आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है, पहला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है हमें, क्या करना है, विचार, मूंगफली, तिल, बाजरा, उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखता वर्षा आधारित फसल है, तो याद रखिए 47 डी, मूंगफली, तिल, बाजरा, 47 का एक दो तीन होगा, 47 का डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, गहरे खड्डे, युवा घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण बलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो याद रखना है 48 का होगा डी, 48 का क्या होगा, डी, एक दो तीन चार, ठीक है, गहरे खड्डे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ठीक है, चारों सही है इसमें कथन। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि कथन पहला है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, तीसरा है उत्तरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो याद रखना 49 का सी होगा, क्या होगा, सी, एक और तीन, ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ठीक है, तो 49 का सी है। क्वेश्चन नंबर 50, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है, पहला कथन है, कैल्शियम पादप पिलवा की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, प्रबाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, कुछ प्राणी जिनके डिम्बक पादप फिलोकीय होती हैं जो उत्तरजीविता प्रतिकूल के रूप से प्रभावित होंगी, मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा,
उपयुक्त कथनों में सही कौन से हैं? तो याद रखना 50 का होगा ए। 50 का क्या होगा? 50 का होगा अपना ए। 1, 2, 3 कथन सही हैं, ठीक है। पहला कथन सही होगा, दूसरा कथन और तीसरा कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? तो पहला कथन है इसमें सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। फिर है दूसरा, सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोकलेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा कथन है इसमें सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोपित दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंध में कानून का उल्लंघन किया है। चौथा है, सीएजी की ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है आपको, इसमें होगा हमारा 51 में होगा सी। 51 में क्या होगा? सी। 51 में सी 2 और 3, इसमें 2 और 3 ऑप्शन होगा सही। 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 51 का सी है। अगला क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन नंबर 52। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। पहला कथन है इसमें संस्थागत पेशा को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माता को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तीसरा है, गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 52 का होगा ए ऑप्शन 1 और 2, ठीक है। 52 का क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ए ऑप्शन सही है 53 का। क्वेश्चन नंबर 54। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 54 का होगा सी। 54 का सी, दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है होटलों तथा रेस्तरां, दूसरा है मोटर परिवहन उद्योग, तीसरा है समाचार पत्र प्रतिष्ठान, तीसरा है निजी चिकित्सा संस्थान। उपयुक्त में से किस इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखना है आपको 55 का होगा डी। 55 का क्या होगा? डी, चारों, ठीक है। चारों कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं। पहला कथन है इसमें संसद के वित्त आयोग की सिफारिशों को, दूसरी है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, चौथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो 56 का होगा सी, 1, 3, 4, 1, 3, 4, ठीक है। संघ वित्त आयोग
आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, दूसरा है धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो इसमें निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर सुनना है, तो इसमें क्या होगा 57 में, ए ऑप्शन सही होगा, केवल एक। ठीक है, क्या होगा, केवल एक, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 58। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करता है? तो इसमें पहला कथन है DRDAS, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का संक्षिप्त नाम है DRDAS, देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, DRDAS विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। तीसरा होगा, DRDAS निर्धनतारोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। चौथा होगा, DRDAS निर्धनतारोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। तो इसमें होगा हमारा 58 में बी ऑप्शन, क्या होगा, बी, तीन और चार। ठीक है, सही होगा, 58 का बी होगा, याद रखना है, 3 और 4। फिर है 59। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में क्या है? तो पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना, चौथा है व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो 59 का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, 59 का सी होगा, 1, 3, 4, इसमें 1, 3, 4 होगा, 1 सही फिर 3 फिर 4। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग 60 क्वेश्चन नंबर। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति की भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत देने का मत नहीं देना होता है। और चौथा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 60 का होगा ए, 1 और 3, 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, कौन कौन सा सही है? 1, 3, एक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। तीसरा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। याद रखिए 60 का 1, 3 कथन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन है 60 का। ठीक, फिर होगा 61 हमारा क्वेश्चन नंबर। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? पहला है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडार है। उत्खनन प्राप्त खनिजों से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए
तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तीसरा है, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 61 का होगा हमारा डी, तीनों कथन सही हैं। ठीक है, 61 के तीनों कथन सही हैं। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। चलिए 62 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा, वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। 62 का होगा डी, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के मूलतः उत्तरदायी था, के लिए उत्तरदायी था? तो याद रखिए 63 का भी बी होगा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। 63 का कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? से बी ओ सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64। भारत में बीटी वैगन के प्रवेशन पर लोगों का के विरोध के कारण क्या थे? पहला इसमें बीटी वैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा के जीन को प्रवेश करा कर की गई। दूसरा है बीटी वैगन के बीज टर्मिनेटर बीज, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। दूसरा है एक आशंका है, आशंका है कि बीटी वैगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। चौथा है यह चिंता है कि बीटी वैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। याद रखिए 64 का होगा, निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर चुनना है, तो 64 में होगा सी ऑप्शन, 3 और 4। 64 में क्या होगा? सी, 3 और 4। एक आशंका है कि बीटी वैगन का उपयोग का उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह चिंता है कि बीटी वैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, 3 और 4 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45। पीड़ितों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो पहला कथन है सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। दूसरा है उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना। तीसरा है अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और विकास संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। चौथा है उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। तो याद रखिए 65 का क्या होगा? सी, 65 का भी सी है, 1, 2, 4 कथन सही हैं, 1, 2 और 4 कथन इसमें सही हैं, 1 कथन सही है और 2 और 4। ठीक, फिर 66 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दादा भाई नौरे जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ाया जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 66 का ए ऑप्शन सही है, 66 का ए है। उन्होंने इस बात को अभी व्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 66 का एक कथन सही है केवल। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 67। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। दूसरा है ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा है ध्रुपद अलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो 67 का होगा हमारा बी, 2 और 3, 67 का
दो और तीन कथन सही होगा। द्रौपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। द्रौपद अलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? तो पहला कथन है, इसमें कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है, पीतल की तस्तरी की धार पर पादरक नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। कौन उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो 68 का होगा ए, केवल एक। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, 68 का ए है। क्वेश्चन नंबर 69। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह की आचरण का निर्वाह करते हैं? पहला है इसमें कथन, ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा, एकांत में कठोरे हुए व्यायाम। तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्वाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर कौन सा है? तो याद रखना 69 का डी होगा। 69 का क्या होगा? डी, तीनों सही। ठीक है, 70। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो 70 का बी। 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा कथन है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया। तो याद रखना 71 का होगा हमारा ए, केवल एक कथन सही होगा। केवल एक कौन सा? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा ये खुद दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो याद रखिए 72 का होगा हमारा बी, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ये ऑप्शन सही है, सॉरी 71 का ए था केवल एक, लेकिन 72 का बी है, याद रखिए। भगवान बौद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह कथन यह प्रतीत किसका प्रतीक है? तो याद रखिए, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बौद्ध का धरती का आह्वान। याद रखिए 72 का बी है। याद रखिए दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है या कोई आंसर मुझसे देने में गलती हो जाती है तो उसे कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ लिख दिया करिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है हर संभव कि सही आंसर बताया जाए आपको, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी लेक्चर में अगर गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर लिख दें जिससे दूसरा उसके बारे में जान सके सही। ठीक है, तो 72 का बी है। क्वेश्चन नंबर 73। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो याद रखना प्रकृति पूजा और यज्ञ। 73 का सी है। क्वेश्चन नंबर 74। ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा है,
इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर कौन सा है? तो याद रखना 74 का बी होगा। एक और दो, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 74 का बी है, ठीक है। 75, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा है? अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। दूसरा है आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तीसरा है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनना है, तो याद रखिए 75 का होगा डी। तीनों सही हैं इसमें, 75 में डी होगा, ठीक है। तीनों कार्य करता है बैंक, ठीक है, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? तो याद रखिए इसमें पहला कथन है जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, दूसरा है जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, तीसरा है जब आप कोई रंगचित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो याद रखिए 76 का बी है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 सही है इसमें। 76 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित उपायों में से किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? पहला कथन है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, दूसरा है लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, तीसरा है सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, चौथा है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों में का विक्रय। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो 77 का होगा सी, 77 का सी, 1 और 3, 1 और 3 कथन सही होगा, ठीक है, याद रखिए 1 और 3 कथन सही होगा 77 का सी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? पहला है कथन भारत में विदेशी कंपनियों को की सहायक कंपनियां, दूसरा है भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, तीसरा है विदेशी कंपनियों द्वारा अन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, तीसरा है पोर्टफोलियो निवेश। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो याद रखना 78 का होगा डी, 78 का डी, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2 और 3 सही होंगे, ठीक है कथन इसमें। 79, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य। पहला कथन है इसमें विश्व बैंक निर्धारित करता है, दूसरा है संबंधित देश द्वारा विदत्त वस्तुओं सेवाओं की कीमतें मांग है से निर्धारित होती हैं, तीसरा है संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होती है, चौथा है संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 79 का बी होगा, 2 और 3, 2 और 3, संबंधित देश द्वारा विदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कितनी मांग है से निर्धारित होगी, तीसरा है संबंधित देश की सरकार की स्थिरता निर्धारित होती है। 69 का बी, फिर 79 का है बी, फिर 80, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो याद रखिए 80 का होगा सी, 80 का क्या होगा सी, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, 80 सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखितों पर विचार करना है, निम्नलिखित विचार पर विचार कीजिए। पहला कथन है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि
राजस्व का मूल्यांकन, दूसरा युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तीसरा तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी, अंग्रेजों की भारत को देन थी, भारत को, तो याद रखिए 81 का होगा हमारा डी, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, 81 का डी है। क्वेश्चन नंबर 82, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन देखना है। तो पहला, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और फिर शासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों का पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, तो निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर चुनना है अपन को। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा 82 में सी, 82 में क्या होगा सी, 2 और 3, 2 और 3 कथन सही होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है, तो याद रखना 83 का सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, 83 सी। क्वेश्चन नंबर 84, कोयले के बेहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है, तो पहला कथन है, भारत की यह नीति है कि अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, वो वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करें। दूसरा है, भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो रही है। तीसरा है, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो 84 उपयुक्त में से कथन कौन सा कथन सही है, तो 84 का होगा बी, 84 का बी, 2 और 3 सही है। इसमें भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं, उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। तीसरा, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। 84 का बी है। ठीक है, 2 और 3। 85, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गाँव जाना था जो वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसका गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, तो याद रखना ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, सी ऑप्शन सही है, 85 का सी। क्वेश्चन नंबर 86, हाल में तथ्यों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं की कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है, पहला कथन है चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है, दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, तो याद रखना 86 का होगा हमारा सी, 86 का होगा सी, 1 और 3, 86 का क्या होगा 1 और 3, चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है इसके द्वारा निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। तीसरा है, दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है, याद रखना 1 और 3 कथन सही है 86 का। ठीक है, 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों का पर विचार करें, बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरवन, उपयुक्त में से कौन बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं, तो याद रखना 87 का बी होगा, 1, 3, 4, बांदीपुर, फिर मानस और सुंदरवन।
ठीक 87 का बी है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा कथन है उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 88 का सी होगा, दोनों कथन सही है। ठीक है 88 का सी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो याद रखना 89 डी निश्चित शुष्क तथा आर्द्र जलवायु आर्द्र ऋतु। ठीक है डी ऑप्शन सही है 89। 89 का क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो याद रखना बी ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यानों से, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों से, रामसर सम्मेलन में घोषित आद्य भूमियों से, वन्य जीव अभ्यारण्यों से। लेकिन बी ऑप्शन राष्ट्रीय अभियानों से नहीं है। ठीक उद्यान 90 का बी। 91 क्वेश्चन नंबर, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है, चमगादड़ मधुमक्खी पक्षी, उपयुक्त में से कौन सा परागणकारी है? तो याद रखना 91 का होगा डी तीनों, चमगादड़ मधुमक्खी और पक्षी, 91 का डी है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटपन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो याद रखना 92 का होगा ए महान भारतीय सारंग कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, 92 का ए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यह केसी कथ की परिघटना नहीं होती है। पहला है केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कोई मृदु रे का उपयोग करने के लिए एक्स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर सक पाता। तीसरा है स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। तीसरा है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो 93 का होगा उपयुक्त में से कौन सा कथन है? तो 93 का होगा बी 1 3 4, 1 3 4 केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, तीसरा है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। 93 का बी होगा। ठीक है 93 का बी है 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 94, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख मार्गों का वर्णन करता है, व्यवस्था समर्थन नियंत्रण संरक्षण और सांस्कृतिक, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवर्धन सेवा है? तो याद रखिए 94 का होगा सी पोषक चक्रण और फसल परागण, 94 सी। क्वेश्चन नंबर 95, एंटीलोपो ओरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो याद रखना ए ऑप्शन, ओरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थली क्षेत्रों में रहने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 95 का है ए। ठीक है 96 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला है वैश्विक तापन, दूसरा है आवास का विखंडन, तीसरा है विदेशी जाति का संक्रमण, चौथा है शाकाहार प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूटों पर के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 96 का ए होगा, वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और तीसरा है विदेशी जाति का संक्रमण। ठीक है 96 का ए है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी,
हिम तेंदुआ। उपयुक्त में से कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो याद रखना है 57 का होगा, 97 का बी 134, 97 का बी 134 मतलब काली गर्दन वाला सारस, ओडन गिलहरी और हिम तेंदुआ। ठीक है, 97 का बी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सी मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है इसमें, तीन केवल। 98 का बी अनुपद सस्यन। क्वेश्चन नंबर 99, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णता नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? पहला कथन है कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है महासागर जल घनत्व प्रबल रूप से फट जाएगा। और निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 99 का होगा ए केवल एक और दो, कौन कौन सा? पहला और दूसरा, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 100, कुछ वर्ष पहले जब गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं, इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिए गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु उपयुक्त एक औषधि। ठीक है, 100 का बी है। तो याद रखिए ये था हमारा 2012 का IAS UPSC का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पेपर 2013 के प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर को IAS के। ठीक है।